दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप? आपका स्वागत है एक बार फिर मेरे YouTube चैनल देव सारेश्वर पर। बहुत सारे सवाल पब्लिक के भी रहते हैं, अभी पब्लिक बहुत सारे सवाल हमारे भी रहते हैं। इतने दिल से, इतने समर्पण से तो YouTube चैनल वालों को ज़्यादातर मैं देखता हूँ, बाकी सब भी दिखते हैं YouTube पे ही। कल की अवतार का जो स्वागत, जो वर्णन YouTube वाले कर रहे हैं, चैनल वाले, जबरदस्त। इतना तो मैंने नॉर्मली किसी भक्तों को भी नहीं देखा, इसलिए सवाल दिमाग में आते हैं कि इनका उसमें मैं भी हूँ कोई ना कोई निरंतर संबंध उस परम शक्ति और श्री विष्णु जी से जरूर है। हालांकि इनका संबंध तो सारी दुनिया से ही है, कण कण से है, पर इनसे विशेष है। क्यों क्यों जानते हैं हम लोग, आप लोग जो YouTube चैनल वाले हैं, क्यों जानते हैं हम लोग उतना ज़्यादा जो सामान्य लोग नहीं जानते? क्यों हमारे अंदर ये इच्छा होती है कि हम बताएं आपको उनके बारे में, विष्णु के अवतारों के बारे में, फिलहाल कल के अवतार के बारे में? वो कौन सी ऊर्जा है जो मजबूर करती है बताने को? वो क्या आकर्षण है उस महालीलाधारी में? कल के अवतार मतलब महाअवतार, महासंपूर्ण अवतार। संपूर्ण अवतार तो कृष्ण तक ही हो गए थे, विष्णु भगवान के संपूर्ण अवतार कृष्ण, तो संपूर्ण के बाद दूसरा नंबर महासंपूर्ण का ही आएगा। महासंपूर्ण, महाशक्ति अवतार, महाप्रेम अवतार, महामर्यादा अवतार। देखो, क्योंकि इस चार युगों की यात्राओं का अंत करना है, सतयुग मिल जाना, सतयुगवासी वो हैं, तो सारी जो बातें हैं, गुण हैं, सब महा हैं, उसके बाद कुछ नहीं। वो कौन सा आकर्षण है जो हम जैसे या और जो YouTube पर और भी भक्त लोग हैं करोड़, और एक और देखिए, मुझे नहीं पता था जब ये यात्रा शुरू की थी कि दुनिया के सारे देशों में जब मैं ये वीडियो बनाऊंगा, मेरी तरह और भी बना रहे, मेरी तो अपना पता है, मेरे यूट्यूब चैनल के जो आंकड़े आते हैं कि उन उन देशों में भी ये वीडियो देखे जा रहे हैं जिनमें मैं इस जन्म में जा नहीं सकता था, कल्पना भी नहीं कर सकता था। वो इतने सारे लोग इंतज़ार करते हैं और देख रहे हैं, तो कल के अवतार को चाह रहे हैं वो लोग पूरी दुनिया में, करोड़ों लोग। मैं कल के अवतार का नाम ले रहा हूँ क्योंकि जिसके नाम में इतना जादू हो, प्रताप हो, ये तो बातचीत करते मेरा वीडियो अभी अधूरा रह गया, अगले वीडियो में पार्ट टू में आएंगे। फिलहाल कैसा लगा कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, पार्ट टू। कई बार मैं ये सोचता हूँ कि जब प्रलय हुई होगी, मान लीजिए जैसे अभी हम ये कलयुग है, इसमें जब प्रलय हो जाएगी तो जितने भी ये पेड़ पौधे जड़ी बूटी जितने भी हैं, ये सब वनस्पति, इनके बीज स्वाभाविक रूप से इसी मिट्टी में ही दब जाएंगे और इस तरह से दब जाएंगे कि कुछ उग पाएंगे, कुछ नहीं उग पाएंगे। फल और भी जो फसल जो भी चीज़ें हैं, जब ये प्रलय के बाद जब नया जीवन शुरू होगा, जो बीज आसानी से उग जाएंगे वो हमारे सामने जैसे हैं, ये आसानी से उगे होंगे। ये सालों का भी साल लगा होगा, हज़ारों लाखों का, जो नई नई चीज़ें आई आ रही हैं निकल निकल के। तो मैं ये कल्पना करता हूँ कि हो सकता है पहली जो प्रलय हुई है जिसके बाद हम अभी ये जीवन जी रहे हैं, कुछ ऐसे बीज हों जो उस समय के जब जीवन रहा होगा तब हों, उनके नए नाम हों, हमें पता नहीं उन फलों का फसलों का, जो इतने गहराई पर दब रहे हों धरती में कि वहाँ से उग नहीं पा रहे हों, मगर वो सुरक्षित हों, जैसी दूसरी प्रलय हो और वो धरती की वो सतह ऊपर आ जाए मिट्टी, और ऊपर आने के बाद उनको वो सब परिवेश परिस्थितियाँ मिल जाएँ कि वो उग जाए। उनमें पता नहीं कोई अमर फल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अमर फल तो अब अमर फल कहा जाता है शास्त्रों के अनुसार, अमर फल तो देखो हमारे इतने जंगल हैं, इतने वन हैं कि सारे पेड़ पौधे जड़ी बूटी तक तो हम पहुँचे ही नहीं। ठीक है, फिलहाल तो टॉपिक पर यह था कि अभी हम जो जिन वनस्पतियों या जिन पौधों का लाभ ले रहे हैं ना,
यही हमें नहीं पता किसने लगाए, वन तो हमने बोए नहीं ना वहाँ पे, तो ये भी ईश्वर ही हैं। तो कुछ ऐसे जरूर होंगे जो धरती की उस सतह में होंगे, सुरक्षित होंगे, जब अगली प्रलय होगी तो वो सतह बदलेगी, वो फिर ऊपर आएंगे, वो नए कुछ होंगे, फल फसल जो उस पीढ़ी के लिए होगी जो नई प्रलय के बाद जनरेशन होगी। और एक मुझे अपना ही वीडियो बड़ा आकर्षित करता है दोस्तों, कि रास्तों पर सड़कों पर ना हम नहीं स्पीड दौड़ रही है। आप एक घोड़े पर बैठ के भी सवारी करते हैं तो घोड़ा भी दूसरे घोड़े से टकराने में, घोड़ा दीवार से टकराने में भी, कार से टकराने में, टकराने में फील करता है कि हाँ मुझे भी चोट लगी, घोड़े को ऊपर जो बैठा है। कार या किसी निर्जीव या पदार्थ पे आप बैठ कर जब यात्रा करते हो उसको नहीं एहसास है कि ऊपर हम जो है वो कितना नाजुक है, उसको यूं दबने से उसकी हड्डी टूट जाएगी या जरा से चोट लगे दम ऊपर। हम निर्जीव पदार्थों के साथ ज़्यादा ज़िंदगी जी रहे हैं दोस्तों।